नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा सबने दा स्वागत है। मैं अनुराधा ते आओ सबने कोला पहले लोपाला च अज दी खास खबरें उपर। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय मैदानता मेडिकल कंसल्ट सेंटर जम्मू। बड़ी महंगाई के लिए आज कांग्रेस पार्टी पास किया गया विरोध प्रदर्शन, कई पार्टी नेता रहे मौजूद। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक हफ्ते के दौरे पर पहुंची जम्मू, कई सम्मेलन की किया संबोधित। पानी की समस्या के लिए मढ़ इलाके के लोगों किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जताया रोष। जिला डोडा च पुलिस पब्लिक बैठक का किया गया आयोजन, बैठक च चौकी इंचार्ज रहे मौजूद। ते उन डोगरी खबर विस्तार करने, पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस की बदा दी कीमतें दे विरोधा च अज कांग्रेस पार्टी दी पासिया भाजपा दे खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन दी अगवाई पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्लर करा दे, इदे बगैर जनरल सैकटरी योगेश साहनी ते बाकी पार्टी कार्यकर्ता भी खास तौर पर मौजूद रहे। हिंदुस्तान में जिस ढंग से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, 137 दिन के बाद दो दिन लगातार 80 पैसे में बढ़ोतरी हुई और इकोनॉमिक्स के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए का इसका फायदा यहाँ पे सीधा सरकार को यहाँ पे मिला है। आज गरीब आवाम का चूल्हा जलना यहाँ पे मुश्किल हो गया। ये प्रदर्शन जिस ढंग से महंगाई को लेकर है, उसी ढंग से जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर भी ये प्रदर्शन यहाँ पे है कि 40% से भी ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दे अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अज सतवारी जम्मू च हजरत मुदान अली शाह दे सूफी दरगाह दा दौरा कीता। उत्थे गए महबूबा मुफ्ती वर्तमान च जम्मू दे एक हफ्ते दे लंबे दौरे पर न। इस दौरान उन्हें भाजपा दे मजबूत गढ़े च कई पार्टी सम्मेलन की भी संबोधित किया। वो उनको करना चाहिए फैसला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो क्या करना चाहती है। वो इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए लोगों को उकसा रही है, फ्री टिकट्स दे रही है, छुट्टियां दे रही है, कमीशन बिठाए, रिकंसिलेशन। मैं कहती हूँ ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन होना चाहिए, जहां मुसलमान भी, सरदार भी, सबकी बात होनी चाहिए और गुजरात की भी बात होनी चाहिए, दिल्ली के दंगों की भी बात होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हुआ, हिंदू के साथ हुआ, सरदारों के साथ हुआ, पंडितों के साथ हुआ, उसकी भी बात होनी। पानी की समस्या थमां परेशान राजपुरा ब्लाक मढ़ दे लोगे रोष जाहिर करते हुए सरकार दे खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया ते मांग की कि इस इलाके च लोगों की पानी जनेही बुनियादी सहूलत मुहैया करवाए जान, नहीं तो आने वाले दिनों च और मता प्रदर्शन किया जाग। अभी तक कोई कुछ नहीं है, ना तो ये कोई, ये पानी पूरा क्लियर साफ है, साफ करके चले गए हैं। उसके बाद कोई अभी तक कोई देखने तक नहीं आया कि इन लोगों को क्या दिक्कत है। सिर्फ पानी की पानी दिक्कत है। हमारा इधर कोई 1 किलोमीटर बॉर्डर है, बॉर्डर का भी प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी तक इधर कोई नहीं आया देखने के लिए कि आगे क्या कर। मैं इस पंचायत में जब देखा, घूम के आया इधर सारा, इधर लोगों को पानी की इतनी दिक्कत है कहने की बात नहीं है। आज भी लोग यहाँ पे हैंडपंप से पानी लेके जाते हैं। यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट जो था, जो आज इन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट बना दिया है, उसकी तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के मौके पर आज लोगों की जागरूक करने लिए डिविजनल नोडल ऑफिसर जम्मू डॉक्टर परवीन योगराज ने मीडिया के माध्यम करने बोलते ही उन्हें लोगों की इस बीमारी के संबंध में जानकारी मुहैया करवाई ताकि लोग इस बीमारी थमा बची सकन। आज 24 मार्च 2022 को विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य तपेदिक से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इस वैश्विक महामारी की रोकथाम लाना है। जहां एक और दुनिया ने वर्ष 2030 को टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं भारत का संकल्प वर्ष 2025 का है। राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इसी लक्ष्य का हिस्सा है। जिला डोडा दे मुंदार पंचायत लोर ए च अज पुलिस पब्लिक बैठक आयोजित की गई। ए बैठक कास्तीगढ़ चौकी इंचार्ज अभिषेक दी पासिया आयोजित की गई। बैठक च कई मन्ने परमन्ने लोग ते स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बैठक च चौकी इंचार्ज ने लोगों की समस्या सुनिया ते उन्हेंगी पुलिस ते कन्ने सहयोग करने दी गल भी आखी है। जाते हैं, ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों के लिए हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारा कहीं, हमारे बच्चे हमारी सोसाइटी में कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमें, अगर हमसे नहीं हो सकता है वो हैंडल मसला, तो हमें इनकी सपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में ये हमारी सेफ्टी के लिए हैं।
तो बहरहाल ये चौकी ऑफिसर साहब जो है इनका बहुत अच्छा तजर्बा है। पुलिस, उसका नाम है पुलिस। अगर 1.5 अरब दुनिया हमारे देश की किसी बंधन में बंधी हुई है तो वो कच्चा धागा है, वो है पुलिस। इसलिए हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अगर हमें कहीं ऐसी वैसी कोई भी चीज, कहीं क्राइम नजर आता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष से पूर्व मंत्री चौधरी श्याम लाल ने अज ब्लॉक आरसपुरा की पंचायत कोटली गलाबाना की वार्ड नंबर 1 च गली च टाइला लाने का काम शुरू करवाया। इस मौके उपर पंचायत के सरपंच सूरज प्रकाश समेत पंचायत के बाकी प्रतिनिधि भी खास तौर पर उनके कन्ने मौजूद रहे। कोटली गलाबाना आरसपुरा के साथ लगती पंचायत, जिसके सरपंच हमारे सूरज प्रकाश गारा जी, दर्शन लाल मोलू जी, और इस पंचायत में आज एक लेन ड्रेन का काम शुरू कराया जिसकी लागत तकरीबन 3 लाख है। और मैं तो कहूँगा पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र की सरकार ने अच्छे फंड दिए हैं ताकि हर पंचायत में हर किस्म की सुख सुविधा मिले। और इस लेन ड्रेन बनने से जो लोगों की पुरानी डिमांड थी और उसमें आज टाइल शायद लगे, अच्छी लेन ड्रेन बनेगी ताकि लोगों को आने जाने की बिल्कुल सुख सुविधा मिलेगी। उन्हें तो मैं बहुत दिल तो मतलब कि शुक्रिया अदा करना जिन्होंने आके मेरी हर समस्या मतलब कि देख के और मेरे हर कंधे ना कंधा मिला के मतलब कि मेरे हर समस्या का हल जरा ना किया। ब्लॉक आरएसपुरा की कल्याणा पंचायत के सरपंच युवराज सिंह ने आज ग्राम कल्याणा स्थित शमशान घाट च विकास कमे की शुरुआत करवाई, जिस उपर कुल 9.5 लाख रुपए की राशि खर्च की जाग। इस मौके उपर भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरज सिंह चाड़क, मन्ने परमन्ने के लोग समेत स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सब लोगों ने इनका साथ देना, इन्होंने कभी नहीं सोचा किसी ने वोट दिया किसी ने नहीं दिया। ये काम के पुजारी हैं और ये सेवक हैं लोगों के, ये कभी नहीं दे जिनको ना कोई कमीशन की कोई बात है ना कोई ऐसी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को भी चाहिए कि आगे आना चाहिए। बाद में जैसे चौकीदार का मसला था, इन्होंने टेकअप किया, लबड़दार साहब भी गए थे, सभी लोग गए, आप लोग गए थे, वो भी मसला उठाया और वो भी मसला बड़ी जल्दी हल। हमने पहले भी जहाँ पर 3.5 लाख रुपये का बजट बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनवाई थी, काम करवाया था। अभी जो 9,80,000 रुपये बैक टू विलेज का पैसा वो लगवा रहे हैं कि जहाँ पर 3-4-5 कम्युनिटियों का जो शमशान घाट है, SC का, OBC, जनरल सारे आते हैं जहाँ पर। तो हमारी सोच है कि आने वाले अगले साल भी कोशिश करेंगे 3-4 लाख रुपये और रखवाने से, तो उससे भी काम करवाएंगे जो अच्छी सुविधा लोगों को मिल सके। विकास कमे की अगे बढ़ाते हुए आज पूर्व डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने GMC हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार के सहयोग करने छन्नी च ट्यूबवैल का काम शुरू करवाया ताकि लोगों की समस्या का सामना नहीं हुआ। इस मौके उपर कई मन्ने परमन्ने के लोग मौजूद रहे। इस तरह के 3 ट्यूबवेल छन्नी हिम्मत वार्ड नंबर 50 और 51 में जा रही और आज इसका काम शुरुआत किया गया है। हमारे साथ हमारे ऑनरेबल मेयर श्रीमान चंद्रमोहन जी के सहयोग से ये सारा काम संभव हो पाया। आज डोगरी खबरें बस इन्ना गए, इजाजत, नमस्कार।